नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महत्तम के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम वर्णन करेंगे निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महत्तम कहा है, यह मुझको कुछ मूर्छित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदस्य धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंठक राज करके वहां पर द्वारकापुरी के सामने महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ पति सेना ऐरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़ों से परिवारित आवृत होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। सौ योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सात व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना सात महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक और वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा राजा है, जो कि श्रुति स्मृति और प्राणों का ज्ञाता देवता तथा अतिथि का पूजा करने वाला सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा सूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया, उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्ट दायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलंद ने अपने मंत्रियों और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से कहा, कुछ लोगों ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन भ्राषण हिंसा मिथ्या वचन तथा और भी किसी काम का किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे, इसलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ, मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता हूँ और न जानता हूँ। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महत्तम की जय। विष्णु भगवान की जय।